सर्वेक्षण की टीम इंदौर आने वाली है, पर नगर निगम की तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हो पाई। मंगलवार को सुबह जब निगमायुक्त अधिकारियों के साथ भ्रमण पर निकले तो उन्हें कई खामियां मिली। इन कमियों को सुधारने के लिए निगमायुक्त ने बुधवार को बैठक की और सभी संबंधितों को सुधार के लिए निर्देश दिए। स्वच्छता सर्वेक्षण की पहली टीम ODF और बॉर्डर प्लस के लिए इंदौर आने वाली है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार सुबह 6 बजे से निगमायुक्त पूरी टीम और जोनल अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र में निकले थे। निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है और विगत 6-8 महीने में जो हमारी डेली की नसबंदी है, जो हमारी 35 से 40 कुत्तों की होती थी, उसको बढ़ा के हमने 140 डेली की नसबंदी हम लोगों ने पहुंचा दी है। हालांकि जो एजेंसी काम कर रही है उसके संबंध में कुछ शिकायतें लगातार प्राप्त होती रही थी। इसके लिए हम लोगों ने एक नया टेंडर निकाला था, उसमें हम लोगों ने एक अन्य एजेंसी को भी हायर किया है। तो हमारे पास एक के बजाय 2 अलग अलग एजेंसीज होंगी जो 2 अलग अलग हमारे सेंटर्स पे काम करेंगी। इसके अलावा ये देखा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में को मॉनिटर करने के लिए और इसके अलावा इस पे एक तरीके से नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमको कुछ और अतिरिक्त अमले की आवश्यकता थी। इस संबंध में हमने एक NGO अपॉइंट किया है, टेंडर के माध्यम से एम्पैनलमेंट किया है, जिसमें 2-3 NGO काम करेंगे। उनको हम लोग ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जो नसबंदी हो रही है उसके ऊपर भी वो लगातार प्रभावी नियंत्रण रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि ढंग से नसबंदी हो रही है, कौन कौन से एरियाज की नसबंदी हम लोगों को करनी है। हम लोग अब एक एक जोन और एक एक वार्ड चिन्हांकित करके NGO के माध्यम से उसको 100% एक बार नसबंदी करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी एक जो कमी महसूस हो रही थी निगम के और जनता के बीच के संवाद की जो कमी थी, उसको हम लोग NGO के माध्यम से भरपाई करने की कोशिश करेंगे। सर, ODF प्लस प्लस की टीम आने वाली है, इसकी तैयारियां हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि देखिए ODF डबल प्लस और वाटर प्लस की टीम इस मंथ के आखिरी सप्ताह में आएगी और उसके लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे शौचालय हों, चाहे हमारे यूरिनल्स हों या फिर हमारे हाउसहोल्ड्स के शौचालय हों, उन पे लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्कूलों के जो टॉयलेट्स हैं उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जरूर कमियां पाई गई हैं और इसी संबंध में आज मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ZOs, BO, BI, नर्मदा के लोग, इसके अलावा जो हमारी एजेंसीज हैं सुलभ और आर्यभट्ट, उनके लोगों को हम लोगों ने बुलाया था। हम लोगों ने जो भी सर्वे कराया है NGOs के माध्यम से, हम लोगों ने एक अलग सर्वे कराया है, ZOs के माध्यम से अलग सर्वे कराया, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जहां पर जो जो कमियां पाई गई हैं वो सभी के साथ शेयर भी करी गई हैं। और कल से चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे वो ZO हों, एडिशनल कमिश्नर हों, इवन मेरे द्वारा भी कल सुबह 5:30 बजे से हम लोग निकलकर OD का भी परीक्षण करेंगे हम लोग, और इसके अलावा जो ये व्यवस्थाएं हैं इनका सबका निरीक्षण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 3 दिनों के अंदर हम लोग सारी व्यवस्थाएं अपनी बना लेंगे और बाकी के 7 दिन है, उस दिन मॉनिटरिंग करके हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे जो हमारी आखिरी सप्ताह में ODF की टीम आएगी। आज सुबह 6 बजे से निकले थे सर, टीम इसमें कुछ कहां लापरवाही मिली? देखिए, जो लापरवाहियां मिली हैं उसी के आधार पर आज ये हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है। ZOs के द्वारा भी कई चीजें शेयर करी गई हैं, जो बताया गया कहीं कहीं पे कुछ जगहों पर सीट्स टूटी होने के मामले संज्ञान में आए हैं, कहीं पर कुछ पानी की भी दिक्कतें लोगों ने बताई हैं, कहीं पे फर्श वगैरह भी टूटी हुई है। ये सारी चीजें हम लोगों ने चेकलिस्ट बना के उसमें टिक करके शेयर कर लिया है। अगले 3 दिनों के अंदर हम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेंगे और कल से सुबह 5:30 बजे से ही निकलकर सभी लोग इस पे लग जाएंगे। देखिए, जो ऐसे कुछ पब्लिक टॉयलेट्स हैं जहां का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पर जो बस स्टैंड्स के आसपास के इलाके हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके हैं, वहां पर 24 घंटे उन पब्लिक टॉयलेट्स को खोलने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए एक्स्ट्रा केयर टेकर भी हमारे द्वारा रखा जाएगा। जो आप स्थान बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर, उस पर विचार करके उसको भी हम लोग 24 घंटे खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सोलर ऊर्जा, हमने चूंकि पिछली बार हैट्रिक हमारी थीम थी और इस बार हम लोगों ने चूंकि हैट्रिक लगाने के बाद में चौका हम लोग लगाएंगे, ये हमने थीम रखी हुई है। और माध्यम जो हमारी एजेंसी है राज्य सरकार की, उसके माध्यम से हम लोगों ने शंकर महादेवन जी से ये गाना गवाया है और ये जो हम लोगों ने लॉन्च किया है बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये गाना आज से हमारी गाड़ियों पर कॉलर ट्यून पर भी आज से स्टार्ट हो जाएगा और जैसा कि इस गाने का थीम है चौका लगाएंगे, वैसा उसी आधार पर इंदौर चौका भी लगाएगा। देखिए, सर्वेक्षण के लिए ऐसी फंड की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। पिछली साल भी जो हम लोगों ने पूरा का पूरा स्वच्छता सर्वेक्षण किया था, बहुत ही इकोनॉमिक ढंग से, बहुत कम खर्च के साथ में संपादित किया था। इस बार भी फंड की भी कोई कमी आए बिना हम लोग इसको संपादित करेंगे।
देखिए, जो सोलर के लिए हम लोग एक ग्रीन मसाला बॉन्ड जारी करने वाले हैं, उसमें जो क्रेडिट रेटिंग हम लोगों को करानी है अपनी नगर निगम की, और वो भी विश्व स्तरीय एजेंसीज में जिसमें हमने मूडीज और फिच को चुना है उनसे रेटिंग करानी है, वो प्रक्रिया भी प्रचलन में है। उस प्रक्रिया को खत्म होने में भी कम से कम एक महीना और लगने की संभावना है। इसके साथ साथ RBI की परमिशन हमको इसमें लगेगी, उसके लिए हमारे द्वारा लेटर लिखा गया है, भोपाल से प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा भी इसके संबंध में लेटर लिखा गया है, और मुझे लगता है कि जब तक RBI की हमारे पास परमिशन आएगी तब तक हमारी रेटिंग भी आ चुकी होगी, उसके बाद हम लोग बॉन्ड फ्लोट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। जिस तरह से दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मदद लेने की भी कोई आपने पहल की है? देखिए, इसमें हमारी मदद अभी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा जो एक मुंबई में कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, उसमें भी हमारे द्वारा पॉइंट रखा गया है, उनके द्वारा भी लगातार इस बारे में प्रयास किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार इस मामले में हमारी पूरी तरीके से मदद कर रही है। सर, शहर में आवारा श्वान की संख्या एक बार फिर जो है वो बढ़ती जा रही है, लगातार निगम प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए, ODF डबल प्लस और वाटर प्लस की टीम इस मंथ के आखिरी सप्ताह में आएगी, और उसके लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे शौचालय हों, चाहे हमारे यूरिनल्स हों, या फिर हमारे हाउस होल्ड्स के शौचालय हों, उन पर लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्कूलों के जो टॉयलेट्स हैं उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कुछ जगहों पर जरूर कमियां पाई गई हैं, और इसी संबंध में आज मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ZOs, BO, BI, नर्मदा के लोग, इसके अलावा जो हमारी एजेंसीज हैं सुलभ और आर्यभट्ट, उनके लोगों को हम लोगों ने बुलाया था। हम लोगों ने जो भी सर्वे कराया है NGOs के माध्यम से, हम लोगों ने एक अलग सर्वे कराया है, ZOs के माध्यम से अलग सर्वे कराया, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जहाँ पर जो जो कमियाँ पाई गई हैं वो सभी के साथ शेयर भी करी गई हैं, और कल से चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे वो ZO हों, एडिशनल कमिश्नर हों, इवन मेरे द्वारा भी कल सुबह 5:30 बजे से हम लोग निकलकर OD का भी परीक्षण करेंगे हम लोग, और इसके अलावा जो ये व्यवस्थाएं हैं इनका सबका निरीक्षण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 3 दिनों के अंदर हम लोग सारी व्यवस्थाएं अपनी बना लेंगे, और बाकी के 7 दिन है, उस दिन मॉनिटरिंग करके हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे जो हमारी आखिरी सप्ताह में ODF की टीम आएगी। आज सुबह 6 बजे से निकले थे सब टीम, इसमें कुछ कहां लापरवाही मिली? देखिए, जो लापरवाहियां मिली हैं उसी के आधार पर आज ये हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है। ZOs के द्वारा भी कई चीजें शेयर करी गई हैं, जो बताया गया कहीं कहीं पे कुछ जगहों पर सीट्स टूटी होने के मामले संज्ञान में आए हैं, कहीं पर कुछ पानी की भी दिक्कतें लोगों ने बताई हैं, कहीं पे फर्श वगैरह भी टूटी हुई हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने चेकलिस्ट बना के उसमें टिक करके शेयर कर लिया है। अगले 3 दिनों के अंदर हम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेंगे, और कल से सुबह 5:30 बजे से ही निकलकर सभी लोग इस पे लग जाएंगे। देखिए, अभी तक तो बात नहीं चल रही, लेकिन बहुत अच्छा आपका सुझाव है, इस पे हम लोग विचार करके जरूर जो भी उनका अनुभव है इंदौर से संबंधित और खासतौर पर स्वच्छता से संबंधित, इसको जरूर विचार करेंगे। कुछ खिलाड़ी खजराना भी पहुंचते हैं, तो अगर खिलाड़ियों को खजराना जाएंगे तो क्या वहां की भी जीरो दिखाएंगे? देखिए, ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं है खजराना के जीरो वेस्ट को दिखाने की, लेकिन उनका संदेश जरूर हम लोग रिकॉर्ड कर। सर, दोनों 3 दिन में सर 3 दिन में 2 घटनाएं हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी सार्वजनिक तौर पे कैबिनेट मंत्री चरण वंदना करते देखे गए, उसके बाद में कल खुद महिला होने के बावजूद भी निगम मंत्री भी, कोई ये बात परंपरा की नहीं है, ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जरूर उसमें जो व्यक्ति किसी के पैर छूता है उनकी अब क्या आस्था है वो हम उससे पूछिए। अच्छा, संबल योजना में जो बड़ा गोलमाल हुआ है, शिवराज जी नाराज है, वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई तो जेल डाल दीजिए, तो क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, जो लोग इनकम टैक्स पेयर है या जो लोग जिनके पास अच्छा पक्का बड़ा मकान है, पर्याप्त संपत्ति है, अगर उनको भी संबल में जोड़ा जा रहा है, और पूरे प्रदेश भर में इसका एक पैटर्न निकल के आता है कि एक ही प्रकार के लोग इसमें जोड़े गए हैं, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके बारे में हमें जानकारी भी थी कि ऐसा घोटाला हुआ है, और मैं बधाई देता हूँ माननीय श्रम मंत्री जी को जिन्होंने इसकी पूरी जानकारी निकाली है, और इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा। शिवराज जी को कोई सलाह देंगे क्या? वो बहुत नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं जेल डाल दीजिए, उनका बयान आया है। देखिए, वो 13 साल CM रहे, उनको सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि
सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करेगी और फिर जो भी सामने आएगा वो स्पष्टीकरण। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है, अब ये प्रोजेक्ट को आगे एग्जीक्यूशन लेवल पर स्पीड अप किया जाए, इसके लिए क्या मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? इसकी हमारी कल बैठक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ हमने कल मीटिंग बुलाई है भोपाल में, जिसमें जो इंदौर के भी जो जीसी के माध्यम से जो लोग नियुक्त हैं अंडर स्पेशल जो उनके जो हेड्स हैं वो सभी वहाँ मौजूद रहेंगे, और जो भी कुछ स्वाभाविक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें जो भी इश्यूज रहेंगी उनका हम तुरंत निराकरण करेंगे, और ये हमारा प्रयास है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में निरंतर हमारी रिव्यू मीटिंग होती रहे ताकि इसमें काम ना रुके और सही समय सीमा में काम पूरा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसमें अभी अगले एक दो महीने में और कुछ नए टेंडर्स भी निकलेंगे, मैं एग्जैक्ट तिथि तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द इसमें नए टेंडर भी आएंगे। सर मैं क्यों कमेंट करूँ, वो आप उनसे पैर छुए। अच्छा, संबल योजना में एक जो बड़ा गोलमाल हुआ है, शिवराज जी नाराज है, वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई तो जेल डाल दीजिए, तो क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं या जो लोग जिनके पास अच्छा पक्का बड़ा मकान है, पर्याप्त संपत्ति है, अगर उनको भी संबल में जोड़ा जा रहा है, और पूरे प्रदेश भर में इसका एक पैटर्न निकल के आता है कि एक ही प्रकार के लोग इसमें जोड़े गए हैं, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके बारे में हमें जानकारी भी थी कि ऐसा घोटाला हुआ है, और मैं बधाई देता हूँ माननीय श्रम मंत्री जी को जिन्होंने इसकी पूरी जानकारी निकाली है, और इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा। शिवराज जी को कोई सलाह देंगे क्या? वो बहुत नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं जेल डाल दीजिए, उनका बयान आया है ऑफिशियल। देखिए, वो 13 साल CM रहे, उनको सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करेगी और फिर जो भी सामने आएगा वो स्पष्टीकरण।